पेज नंबर 277 मीडियम थर्ड पॉइंट मीडियम हमने मेन लिखा बोर्ड प्लस मीडियम ये तीनों चीजें हमने नाइन पे देख ली थी ये तीनों चीजें हमने नाइन पे देख ली थी पर वो जो थी वो ऑन ग्रुप डेटा के लिए यहाँ पर हमें ग्रुप डेटा के लिए यहाँ पर हमें ग्रुप डेटा के लिए ये तीनों चीजें फाइंड करनी है। सो पेज नंबर 277 वो
ऑब्जर्वेशन। अब इन केस अगर एन अगर इवन, सपोज मेरे पास, चलो 90 की जगह 10 कर देते, मेरे पास 10 ऑब्जर्वेशन है। अब अगर टोटल 10 ऑब्जर्वेशन है तो कोई एक ऑब्जर्वेशन मिडिल में नहीं आएगा, और मैं तो सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन मिडिल में आएगा, तो वही ऑब्जर्वेशन मीडियन कहलाएगा। पर अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है, टेबल बना दिया, अनुरूप डेटा को टेबल बना दिया।
अनुरूप भी हो सकता है और रूप भी हो सकता है। यहां जो है अनुरूप है। सो 100 स्टूडेंट्स को 50 में से कितने मार्क मिले थे वो डेटा यहां नोट किया है। 20 मार्क 6 स्टूडेंट्स, 28 स्टूडेंट को 28 मार्क, 24 स्टूडेंट को 33 मार्क, 15 स्टूडेंट को 42 मार्क, 2 स्टूडेंट को 38 मार्क, 4 स्टूडेंट को 43 मार्क, 1 स्टूडेंट 25 मार्क, 20 स्टूडेंट। अब ये अलग अलग नहीं, ये क्या है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेप। तो ये हो सकता है कि आप स्टूडेंट डेटा को अरेंज करो ऐसे नहीं ऑर्डर में और बाद में इसमें से जो मिडल में। अब यह एन क्या है 100 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 100 कैसा नंबर है इवन मतलब यहाँ दो ऑब्जर्वेशन मिडल में आएंगे ये फॉर्मूला लागू होगा। 50 ऑब्जर्वेशन प्लस 51 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 पर उसके लिए हमें 100 ऑब्जर्वेशन लिखने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि क्या 50 ऑब्जर्वेशन ऐसा करना पड़ा लेंथी होगा। तो दूसरा क्या रास्ता है वो आपको मिल गया। तो टेबल बना दिया है कि फ्रीक्वेंसी प्रोबेबल फ्रीक्वेंसी कितनी है कैसा टेबल है ये जो टेबल दिया है वो कैसा है अनुरूप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। नेक्स्ट पेज नंबर 278 तो मैंने जो बताया वही दिया हियर एन इज 100 मींस गिवन नंबर मींस द मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ तो इसकी मीडियन क्या होगी टी एन अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन मतलब यहां एन 100 है तो एन अपॉन 2 कितना होगा 50 ऑब्जर्वेशन और एन अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन क्या होगा 51 ऑब्जर्वेशन इन दोनों की एवरेज मतलब उन दोनों का सम डिवाइड बाय 2 वही आपको दिया है कि 50 से 51 ऑब्जर्वेशन टू फाइंड दिस ऑब्जर्वेशन। अब चल दिया तो पता चल गया कि टोटल 100 ऑब्जर्वेशन है मतलब मिडिल में 50 ऑब्जर्वेशन और 51 ऑब्जर्वेशन के मिडिल में आएंगे और उन दोनों की जो एवरेज होगी वो इस डेटा का मीन होगा। पर मेन प्रॉब्लम क्या है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन 50 ऑब्जर्वेशन है और कौन सा ऑब्जर्वेशन 51 ऑब्जर्वेशन ये हमें पता लगा। उसके लिए हम जो है अलग एक फ्रीक्वेंसी फाइंड है उसे बोला जाएगा। यहाँ तो फ्रीक्वेंसी तो दी पर कौन सा ऑब्जर्वेशन टेबल 14.10 टेबल 14.10 पेज नंबर 278 सो मान लो 20 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब अप टू 25 मतलब 25 या 25 से लेस अप टू 25 मतलब 25 या 25 से लेस आपको यहां मार दिए ये सब सभी मार रिपीट हो रहे टोटल कितने मार रिपीट हो रहे 20, 25, 28, 29, 33, 38, 42, 43 यही मार्क मिले हो रहे वस्तु 100 स्टूडेंट्स को यही मार्क मिले इससे अलग मार्क्स नहीं मिले। तो अप टू 25 मतलब 0 से लेकर 25 उसमें 20 वाले भी आएंगे और 25 भी आए अप टू 25 में 25 से लेस भी आएंगे और इक्वल टू 25 भी आएंगे दोनों का सम होगा 26 क्यों क्योंकि 6 25 से लेस है और 25 कुल कितने टाइम है 25 से लेस वाले कितने हैं 6 और कुल 25 कितने टाइम है 22 तो अप टू 25 में कितने आएंगे 26 देन अप टू 28 अप टू 28 अप टू 25 वाले भी आएंगे और 28 भी आएंगे तो अप टू 25 वाले कितने हैं 26 ऊपर हमने फाइंड किया है कि अप टू 28 में अप टू 25 वाले भी आएंगे क्योंकि वो सब 28 से लेस है तो अप टू 25 वाले भी आएंगे वो कितने हैं 26 और कुल 28 कितने आए हैं 24 है तो अप टू 28 में कितने आएगा 50। तो अब अगर आप सोचे तो अगर आप सोचे तो 27 से लेके 50 तक कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है 20 आप अगर ठीक से सोचे 25 कहाँ तक 26 तक पहले 6 कौन से हैं 20 बाद में 7 से लेके 26 तक कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है 25 बाद में 27 से लेके 50 तक कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है 20। तो अब आपको पता लग गया होगा कि 50 ऑब्जर्वेशन 50 ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा 28
वो कितने हो गए 17। आगे आपको ऐसे टोटल सम करना था, लास्ट में क्या आएगा आपको 43 और 43 लेस, उसमें आपको 42 वाले में आएंगे और ऊपर से 43 भी आएगा, तो ऊपर का भी आएगा और खुद वो ऑब्जर्वेशन कितने टाइम में वो दोनों मिला के आपको अप टू वो ऑब्जर्वेशन मिल जाए। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना उसे क्या बोला जाता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे आपको पता लग जाता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन, इससे आपको क्या पता लगता है कि कौन सा ऑब्जर्वेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है, कौन से नंबर पर एंड हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर ये जो 28 है वो ऑब्जर्वेशन 27 से स्टार्ट होगा और 50 के एंड में, मतलब 27 नंबर से स्टार्ट होगा और 50 नंबर तक वो आए। तो अब हमें मेन बात क्या है, अगर हमें मीन फाइंड करना है, या कौन सा है इवन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है इवन, पर हमें क्या पता लगा कि 15 ऑब्जर्वेशन और 51 ऑब्जर्वेशन मिडिल में आएंगे तो उन दोनों की जो एवरेज है वो मीडियन क्या रहेगा। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ 50 ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा 21। अब 51 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है 21, 50 तक कौन सा ऑब्जर्वेशन है 20, 27 से लेके 50 तक कौन सा ऑब्जर्वेशन है 28 और 51 से आगे कौन सा ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रहा है 29। आप यहां कर सकते हैं कि n अपॉन 2 मतलब 50 ऑब्जर्वेशन प्लस 51 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ये तो पता लग गया बाद में 50 ऑब्जर्वेशन कौन सा है और 51 ऑब्जर्वेशन कौन सा है वो कैसे आपको पता लगेगा, बाय फाइंडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, चाहे वो वन ग्रुप बेटा हो या टू बेटा हो, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो 50 ऑब्जर्वेशन 50 के नंबर का ऑब्जर्वेशन कौन सा है यहां 28 और वो आपको कैसे पता लगा, बाय फाइंडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कि अप टू 28 मतलब 26 यहाँ तक कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है 25 और 27 से लेके 50 तक कौन सा ऑब्जर्वेशन आ रहा है 28 मतलब 50 नंबर का ऑब्जर्वेशन कौन सा है 28 और 51 से लेके आगे कहाँ तक होगा 78 तक, 51 से लेके 78 तक कौन सा ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रहा है 29। इस तरह से आप इसका मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अब दोनों को डिवाइड, दोनों का सम करेंगे तो 67 आएगा तो ये आएगा 28.5। ये सब जो रीजन है वो है अनग्रुप डेटा का, हमें कहाँ से फाइंड करना है ग्रुप डेटा। अब आप पेज नंबर 278 पे जो टेबल है टेबल 14.10 वो हमने क्या फाइंड किया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, पर वहाँ पर उसका नाम नहीं है, इसके नीचे देखो टेबल 14.11 टेबल 14.11 तो हमने जो फाइंड किया उसे क्या बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो वहां लिख के दिया जाए और वहां उन्होंने आपको कोई दिया ऐसा नहीं, वो आपको अपने आप दिमाग में समझ लेना। और नेक्स्ट पेज 279 में आप देख सकते हैं कि मीडियन फाइंड किया, तो ये तो हो गया अनग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा का तो हमने पहले भी फाइंड किया, अब हमें फाइंड करना है ग्रुप डेटा। तो पेज नंबर 279 उसमें मीडियन फाइंड किया, वहां नीचे डिमांड किया द पार्ट ऑफ द टेबल 14.11 यहां जो एंड में पेज के लिए कॉलम 1 एंड कॉलम 3 इज नोन एज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। मैंने बताया कि ये जो फ्रीक्वेंसी है हम जो सम करके फाइंड करते हैं उसे क्या बोला जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द मीडियन मार्क आर 28.5 मतलब 50% जो स्टूडेंट 50% जो स्टूडेंट है उनको 28.5 से लेस मार्क मिले और 50% स्टूडेंट है उनको 28.5 या 28.5 से ज्यादा मार्क, मतलब ये 28.5 जो मार्क है वो एग्जैक्ट मिडिल में है। मिडिल का मीनिंग समझना है कि 50% स्टूडेंट्स को 28.5 से लेस मार्क मिले हैं और 50% स्टूडेंट्स को 28.5 एग्जैक्ट 28.5 या 28.5 से ज्यादा मार्क्स मिले हैं, ये है मीडियन का मीनिंग एग्जैक्ट मिडिल। अब ग्रुप डेटा के लिए फाइंड करना है वही नीचे दिया है नाउ लेट अस सी हाउ टू ऑब्टेन द मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा थ्रू द फॉलोइंग सिचुएशन। तो नीचे आपको ग्रुप डेटा का टेबल दिया है, ये टेबल पहले से मीन से लेकर अब तक हम कैरी ऑन करते आ रहे हैं, मीन में भी यही टेबल था,
आउट ऑफ 100 भाई 53 स्टूडेंट इन सर्टेनिटी, तो डेटा किसके लिए है कि मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑफ 53 स्टूडेंट्स, तो 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30 ध्यान दिया। अब हमें इस डेटा का मीडियन फाइंड करना है, और ये डेटा कैसा है, यहां पर जो टेबल दिया वो कैसा है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो उसके लिए अब जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, चलो अनग्रुप डेटा में तो हो गया कि अब तो ये क्योंकि वहां पर तो सिंगल ऑब्जर्वेशन होता है, अनग्रुप डेटा में तो सिंगल ऑब्जर्वेशन होता है, अप टू 23, अप टू 28, अप टू 29, मतलब सिंगल ऑब्जर्वेशन होता है। पर ग्रुप डेटा में सब नहीं, वहां पर तो एक एक क्लास में एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशन आता है, 0 टू 10 उसमें कितना ऑब्जर्वेशन है, 10 टू 20 उसमें कितना है, 10। तो जो ग्रुप डेटा है उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के दो तरीके, ग्रुप डेटा में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के दो तरीके, एक है लेस देन देन और दूसरा है मोर देन और इक्वल टू, वन लेस देन देन और दूसरा है मोर देन और इक्वल टू। तो हम 90% केस ज्यादा हम जहां पर क्लैरिफाई नहीं किया है, जहां पर क्लैरिफाई नहीं किया है वहां पर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन देन से फाइंड करते हैं। तो पेज नंबर 280 वहां पर आपको दिया है कि टेबल बना के दिया, देखो 14.30 टेबल नंबर 14.30 उसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी फाइंड की है, लेस देन टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन टाइम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जो क्लास है उसकी कौन सी लिमिट का यूज होता है, अपर लिमिट, लेस देन टाइम में क्लास की कौन सी लिमिट का यूज होता है, अपर लिमिट। और हमें यह पता है कि अपर लिमिट जो है वो क्लास में नहीं, उसकी जो लोअर लिमिट है वही क्लास में होती है। तो ये लेस देन टाइप जो है उसमें कौन सी लिमिट का यूज होता है, अपर लिमिट, और अपर लिमिट क्लास में नहीं होती, कौन से कंटिन्यू क्लास में 0 टू 10, 10 टू 20 हमने ये नहीं कुछ देखा था, 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, तो 10 इसमें 0 टू 10 में या 10 टू 20, तो 0 टू 10 में 10 अपर लिमिट, इसलिए वो 0 टू 10 में नहीं, पर 10 टू 10, 10 टू 20 में 10 लोअर लिमिट, तो वो 10 टू 20 है, मतलब अगर कंटिन्यू क्लास है तो लोअर लिमिट क्लास में होती है, अपर लिमिट क्लास में नहीं। तो लेस देन टाइप ग्रुप डेटा में अगर आपको लेस देन टाइप की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो कौन सी लिमिट का यूज होगा, अपर लिमिट का, लेस देन 10 उसमें तो सिर्फ 0 टू 10 ही है, दूसरे क्लास की, दूसरे क्लास की अपर लिमिट क्या है, 20, तो लेस देन 20 उसमें 0 टू 10 के वाले भी आएंगे और 10 टू 20 वाले भी आएंगे, दोनों का सम होगा। अब लेस देन 30, लेस देन 30 तो उसमें लेस देन 20 वाले भी आएंगे प्लस 20 टू 30 वाले भी आएंगे, जैसे अनग्रुप में था वैसे आपको कंटिन्यू सम करते जाना है। देन लेस देन 40, तो लेस देन 40 में लेस देन 30 वाले भी आएंगे और 30 टू 40 वाले भी आएंगे, लास्ट में लेस देन 100, तो लास्ट में जो आएगा लेस देन टाइप में लास्ट में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, टोटल फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, मतलब लेस देन टाइप में लास्ट में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसी होती है, इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी। अब सेकंड टाइप पेज नंबर 281 सेकंड टाइप से इस तरह से भी आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा मोर देन, ये दो टाइप से दोनों के नाम लिखते जाओ, more than equal to
इसमें जो है लोअर लिमिट का यूज होता है और लोअर लिमिट क्लास में होती है, इसलिए यहाँ लिखा है मोर देन और इक्वल। अब अगर आप देखो इसी डेटा की जो डेटा है उन्हीं उसी की फ्रीक्वेंसी जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो पेज नंबर 281 से वन पे मोर देन 10 सेकंड मोर देन और इक्वल टू 0 मोर देन से लोअर लिमिट का यूज होता है। और यहाँ इक्वल टू लिखने का कारण क्या है क्योंकि इसमें लोअर लिमिट का यूज होता है और लोअर लिमिट क्लास में होता है। अब मोर देन और इक्वल टू 0 सभी ऑब्जर्वेशन मोर देन और इक्वल टू 0 तो लेस देन 10 में लास्ट में लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है और मोर देन और इक्वल टू में जो फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी होती है। लेस देन में लास्ट में आती है मोर देन में फर्स्ट में आती है तो मोर देन और इक्वल टू 0 मतलब सभी ऑब्जर्वेशन क्योंकि ऑल ऑब्जर्वेशन आर ग्रेटर देन 0 उसमें टोटल ऑब्जर्वेशन आएंगे 53। अब मोर देन और इक्वल टू 10 मोर देन और इक्वल टू 10 मतलब इसमें 0 टू 10 नहीं है तो टोटल में से 0 टू 10 कितने हैं 5 वो आपको माइनस करने पड़े तो लेस देन वाली जो है वो प्लस से फाइंड होगी पूरा उल्टा है और लेस देन वाली प्लस से फाइंड होगी वहां क्या होगा इंक्रीजिंग होगा लेस देन वाले में क्या होगा इंक्रीजिंग होगा प्लस से फाइंड होगी और मोर देन वाली जो है उसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो माइनस से फाइंड होगी तो मोर देन और इक्वल टू 10 तो उसमें 0 टू 10 वाले नहीं ऊपर जो है वो टोटल उसमें से आपको 0 टू 10 वाले माइनस करने पड़ेंगे मतलब माइनस 5 करना पड़ेगा वो आएगा 48। ऐसे आपको कंटिन्यू चलते जाना है मोर देन और इक्वल टू 8 मोर देन और इक्वल टू 8 तो उसमें से अब ऊपर जो है उसमें क्या है मोर देन और इक्वल टू 70 वाले उसमें से आपको ये मोर देन और इक्वल टू 80 के लिए क्या करना पड़ेगा कि 70 टू 80 वाला जो है 70 टू 80 वाला जो है वो माइनस करना ऊपर वाला जो है उसमें से 70 टू 80 वाला आपको माइनस करना पड़ेगा और लास्ट में मोर देन और इक्वल टू 9 उसमें से आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा तो क्रॉस में सबट्रैक्शन होता रहेगा कि 15 में से कि मोर देन और इक्वल टू 80 वाले कितने हैं 50 मोर देन और इक्वल टू 80 या 80 से बड़े वैसे कितने 50। अब अगर उसमें से आपको मोर देन और इक्वल टू 90 वाले फाइंड करने हैं तो 80 टू 90 वाले माइनस करने पड़ेंगे 80 टू 90 वाले आपको माइनस करने पड़ेंगे तो ये लेस देन वाला जो है प्लस से फाइंड होगा इंक्रीजिंग होगा लेस ये जो मोर देन वाला वो माइनस से फाइंड होगा और डिक्रीजिंग होगा तो इस तरह से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के दो मेथड है लेस देन 10 और मोर देन और इक्वल टू पर नॉर्मली हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है सब में लेस देन 10 से फाइंड करते हैं नॉर्मली पर ध्यान रखते